छत्तीसगढ़ के बस्तर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें उन पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ जगदलपुर की सिटी कोतवाली में प्रचार के दौरान पैसे बांटने के मामले में अपराध दर्ज किया गया, आरोप दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली में यह एफआईआर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर दर्ज की गई है। पूरे मामले में कवासी लखमा के साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य को भी आरोपी बनाया गया है। कवासी लखमा और सुशील मौर्य पर आरोप यह है कि उन्होंने बाइक रैली के दौरान आदर्श आचार संहिता और रैली की अनुमति शर्तों का उल्लंघन भी किया है। बताया यह भी जा रहा है कि 24 मार्च को शाम 4 से 6 बजे के बीच बाइक रैली कर रहे थे। इस बाइक रैली के दौरान जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर के पास कवासी लखमा ने नगद राशि बांटी। ये मामला कैमरों में कैद हो गया। वहीं पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच तकरार भी अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपने पीटे हुए चेहरों को चुनाव में उतारा है और उनको अच्छे तरीके से मालूम है कि वो चुनाव में नहीं जीत सकते, इसलिए वो धन बल का सहारा ले रहे हैं। उनके पूर्व मुख्यमंत्री ईडी सीबीआई की जांच के घेरे में है। कवासी लखमा का जो वीडियो और फोटो जो जारी हुआ है, ये दुर्भाग्यजनक है हमारे इस प्रदेश के लिए, हमारे बस्तर के लिए। हम इसका चुनाव आयोग से शिकायत कराएंगे और कवासी लखमा के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये हम केदार कश्यप कब क्या बोलता है, वो बोलता है सीटिंग सांसद को क्यों काटे, उसका भाई को सीटिंग सांसद को क्यों काटे, उसको पूछो तुम्हारा भाई सांसद सीटिंग थे क्यों काटे। और तुम लोग, बहुत लोग मांग रहे थे महेश गागड़ा हो चाहे लच्छू कश्यप हो, वो कहाँ का एक गांव में सरपंच नवारने वाला को लेके आए, इनका चला है क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में चलता है, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, उनका लोकतंत्र खत्म होगा, दो ही लोग का चलता है। तो वहीं रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने भी बीजेपी पर हमला बोला। तो डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा कवासी लखमा के पैसे बांटने को लेकर कांग्रेस पर अब उन्होंने तंज भी कस दिया है। बस्तर से उनको टिकट मिल गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो तकलीफ की बात है। भारतीय जनता पार्टी तो अब सोच रही है कि कैसे ऐसे नेता, जमीनी नेता से लड़ाई की जाए जो सरपंच से लेके आज तक बिना सरपंच से लेके यहाँ तक पहुँचने का एक बड़ा कद जिन्होंने रखा है। पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, मंत्री रहे हैं, मैं समझता हूँ अच्छे प्रत्याशी, एक दमदार प्रत्याशी के रूप में वो उतर कर चुनाव लड़ रहे हैं। नाम अनाउंसमेंट होते साथ पूरा मीडिया से लेकर हर आदमी उनके विषय में चर्चा कर रहा है। चर्चा उसी की होती है जो जमीन में मजबूत होता है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर आरोप क्या है, क्यों उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल वोटर्स को रिझाने की कोशिश में 500-500 के नोट बांटने का आरोप उन पर लगा है। वोट बदले नोट बांटने का आरोप है कि भाई उन्होंने पैसे दिए हैं, इस तरह से आरोप लगे। तो वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि कवासी लखमा पर किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली में इन धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें सिटी कोतवाली में क्राइम नंबर जो है 155/2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें धारा 171B, 171G, 171E, 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, 1989 के तहत भी एफआईआर दर्ज उन पर की गई है।